बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट बैंड कर्व्स। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड द सेंट्रीपेटल फोर्स एंड द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स। दिस टॉपिक इज आल्सो रेलिवेंट विद द सेंट्रीपेटल फोर्स। वी कैन से हेयर दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स। द बैंड कर्व्स, एक्चुअली ये जो बैंड कर्व है ये एक प्रॉब्लम है जब हम हाईवेज पर ट्रैवल करते हैं या मोटरवे पर सफ़र करते हैं। तो हिली एरियाज़ में जब बहुत बड़े बड़े राउंड या टर्न्स आते हैं तो वहाँ पर गाड़ियों को स्लो करना पड़ता है। उसकी रीज़न यह है कि एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। या दूसरा तरीका कार उसका इंजीनियरिंग में ये है कि कर्व को बैंक कर दिया जाए। बैंक कर्व का मतलब ये होता है कि आपके पास फ़र्ज़ करें ये रोड है, इस रोड में एक साइड को दूसरी साइड से थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है। फर्ज करें ये थोड़ी सी ऊंची साइड है और ये जो है थोड़ी सी कर्व साइड, ये थोड़ी सी डाउनवर्ड है। उससे ये फायदा होगा कि जब गाड़ी यहाँ पर ट्रैवल करेगी तो इसको अपनी हाई स्पीड के साथ टर्न लेने में आसानी हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ये टायर और रोड, इसके दरमियान जो फ्रिक्शन है ये एक नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी जिसकी वजह से गाड़ी को इस टर्न में मूव करने में आसानी होगी। तो सच सॉर्ट ऑफ शेप ऑफ द रोड इज नाउन एज बैंक कर्व। ये आमतौर पर रेलवे ट्रैक में भी किए जा सकते हैं, ये हमारे रोड में भी किए जा सकते हैं, हाईवेज में भी किए जा सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सेंटीपिटल फोर्स की जो कि हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, द एजेस ऑफ द रोड आर मेड अप ऑफ अ सर्टन हाइट टू मेक बेंड फ्रॉम वन साइड टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स सच एज द ऑटोमोबाइल मूव सेफली अलोंग द कर्व नाउन एज बैंक्ड कर्व्स। तो जो हमारे पास रोड्स हैं उन रोड की एक साइड को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है दूसरे के मुकाबले में। उससे ये होगा कि गाड़ी जब टर्न लेगी तो उसको अपनी हाई स्पीड के साथ कर्व में ट्रैवल करने में आसानी होगी और वो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। इसको अगर हम एनालिटिकली देखें तो यहाँ पर ये जो रोड के अक्रॉस गाड़ी ट्रैवल कर रही है इस बैंड कर्व के अक्रॉस, इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक उसका नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा उसका वेट। इसको यहाँ पर इस डायग्राम से हम देख सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कर्व की वजह से, एंगल इस तरह से कर्व है बेसिकली, दिस वन लाइक दिस वन एंगल थीटा बना रहे हैं, ये एंगल थीटा। और यही एंगल थीटा अगर यहाँ पर आप इसका ऊपर रिएक्शन ड्रा कर दें तो थीटा को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो एन के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। तो डायग्राम से वाजे है कि एन कॉस थीटा जो है बैलेंस हो जाता है इसके वेट के साथ, और एन साइन थीटा जो है इस ऑब्जेक्ट को, इस गाड़ी को इस कर्व पाथ में मूव करने के लिए हेल्प करेगी, यानी नेसेसरी सेंटीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू 0, दैट इज एन कॉस थीटा अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव, और एम जी डाउनवर्ड है ये क्या ले लेंगे, नेगेटिव। दूसरे लफ्जों में एन कॉस थीटा इज बैलेंस बाय एम जी। इसी तरह से अगर आप एन साइन थीटा को देखें तो एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स जो इसको कर्व में मूव करने के लिए फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इसका क्वेश्चन में ज्यादातर ये पूछा जाता है कि वो नेसेसरी या मिनिमम क्या स्पीड होगी जिसकी वजह से गाड़ी जो है उस बैंड कर्व के अक्रॉस मूव कर सकती है। तो वेलोसिटी निकालने का तरीकाकार बड़ा सिंपल है, यहाँ से ये एन कॉस थीटा भी मौजूद है और ये आपके पास एन साइन थीटा मौजूद है, इनकी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपने डिवाइड कर दिया एन साइन थीटा ओवर एन कॉस थीटा, ये एन से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से आप एम से एम को कैंसिल कर देंगे तो साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू टैन, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर ओवर जी आर। ये आपके पास अगर यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी आर टैन थीटा, और वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी अंडर रूट आर जी
टेन थीटा, यहां से आप सिंपली थीटा भी निकाल सकते हैं, तो ये टेन इनवर्स वी स्क्वायर ओवर जी आर टेन थीटा आ जाएगा। तो इसमें आप तो वाजह तौर पर देख सकते हैं जो वेलोसिटी है इसमें, ये आर भी कांस्टेंट है जी भी कांस्टेंट है, डायरेक्टली थीटा पर डिपेंड कर रही है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ द कार।